नमस्कार मित्रों, हमने ये समझा कि किस प्रकार से प्रत्येक ड्रग के अपने कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, अपने कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, और एक प्रमुख एंटी डायबिटिक एजेंट पायग्लुडियोन भी इससे इसका अपवाद नहीं है। तो पायग्लुडियोन के भी अपने कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसको हम एक इस माध्यम के से समझते हैं। एक एल्डरली फीमेल जिनको 8 वर्षों से डायबिटीज थी, ओबीस क्योंकि बीएमआई बढ़ा हुआ है, सेंट्रली ओबीस सेंट्रल ओबेसिटी क्योंकि वेस्ट और वेस्ट टू रेशियो बढ़े हुए हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट क्योंकि एकेंथोसिस निग्रिकेंस प्रेजेंट है, और सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसीमिया अनकंट्रोल्ड फेज में ये आई। डुअल ड्रग थेरेपी ले रही थी, मेटफॉर्मिन 2000 मिलीग्राम और ग्लिमिप्राइड 4 मिलीग्राम। हम जानते हैं मेटफॉर्मिन 2000 मिलीग्राम इसकी मैक्सिमम डोज है, ग्लिमिप्राइड भी हम जानते हैं कि 8 मिलीग्राम तक हम यूज कर सकते हैं, लेकिन 4 मिलीग्राम जो कि उसकी हाफ मैक्सिमम डोज है, इस पर 80% प्रभाव इसका आ चुका होता है। तो इस प्रकार से हम ये समझ रहे हैं कि जब ये डुअल ड्रग थेरेपी पे ये महिला आई है और सिग्निफिकेंट अनकंट्रोल के साथ में, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ और ऐड करना पड़ेगा। सोचा गया पायग्लुडियोन एक अच्छा इंसुलिन सेंसिटाइजर है, ये ओबीज इंडिविजुअल है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ, पायग्लुडियोन ऐड करते हैं। 15 मिलीग्राम पायग्लुडियोन दिया गया, वीक 1 पे देखा कि इनकी ग्लूकोज लेवल में बहुत ही थोड़ा सा फॉल हुआ। पायग्लुडियोन की डोज को 30 मिलीग्राम किया गया, देखा थोड़ा सा और फॉल हुआ लेकिन अभी भी बहुत हाई है। पायग्लुडियोन को 45 मिलीग्राम किया गया, नेक्स्ट वीक में देखा गया कि थोड़ा और फॉल हुआ। प्रोग्रेसिवली ग्लूकोज लेवल पहले से बेहतर होता जा रहा है लेकिन अभी भी बहुत सिग्निफिकेंटली अनकंट्रोल्ड है। लेकिन एक परेशानी और आई, इस बार जब पेशेंट आई है थर्ड विजिट पे दिखाने, तो ये कंप्लेन करने लगी कि कुछ सांस फूल रही है और पैरों में काफी सूजन आ रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि इतना अच्छा इंसुलिन सेंसिटाइजर है पायग्लुडियोन, लेकिन हम उसकी डोज बढ़ाते जा रहे हैं, 15 mg, फिर 30 mg, फिर 45 mg, ग्लाइसिमिक बेनिफिट नहीं मिला हमको और परेशानियां भी आने लगी। तो ये ग्लाइसिमिक बेनिफिट हमको पायग्लुडियोन इतनी अच्छी दवा जो हम फुल डोज में 45 मिलीग्राम में यूज कर रहे हैं अभी तक क्यों नहीं मिला? वास्तव में बंधुओं, यहाँ पे यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पायग्लुडियोन इसका कार्यशैली अलग है। जो सल्फोनिलयूरिया मेटफॉर्मिन जब हम देते हैं, देने के साथ ही कार्य करना आरंभ कर देती हैं, लेकिन पायग्लुडियोन जो कि एक पीपीआर गामा एगोनिस्ट है, यह सेल के अंदर पहुंच के और जीन्स पर काम करके और जीन से एक न्यू प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कराता है, जिस प्रक्रिया में समय लगता है और पायग्लुडियोन का पीक इफेक्ट आने में 6 to 8 weeks, 1.5 से 2 महीने तक लग जाते हैं। और हम यहाँ जिस पेशेंट पे हमने यूज किया, वीक के बाद ही देखा कंट्रोल में मजा नहीं आया, हमने डोज डबल कर दी। फिर 1 वीक में देखा मजा नहीं आया, हमने उसकी डोज 3 टाइम्स कर दी। तो हमने वीकली बेसिस पे और 20 डेज पे ही हमने फुल डोज पे पहुंच गए, और 20 डेज पे तो पैग्लोडियोन का इफेक्ट आएगा नहीं। तो इसलिए अब हम ऐसे केसेस में बहुत जो रैपिड डोज एस्केलेशन करके उसके प्रभाव की उम्मीद कर रहे हैं, वह शायद थोड़ा बेमानी है। अब दूसरा एक प्रश्न यह है कि पीडोलिडमा भी इनको आरंभ हो गया, पीडोलिडमा भी हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो ऐसा किस लिए हो रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? मित्रों, यह ध्यान रहे कि पायग्लुडियोन एक इंसुलिन सेंसिटाइजर है और बहुत अच्छा इंसुलिन सेंसिटाइजर है। इंसुलिन की एक प्रॉपर्टी है कि वह सॉल्ट और वाटर रिटेन करती है बॉडी में, सॉल्ट रिटेंशन और वाटर रिटेंशन। तो जब इंसुलिन काम कम कर रही थी, उसको जब हमने पायग्लुडियोन देके उसका इफेक्ट बढ़ा दिया, तो उससे सॉल्ट और वाटर रिटेंशन की एबिलिटी भी बढ़ गई, जिससे प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ गया, और ये प्लाज्मा वॉल्यूम जो ज्यादा था वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में पहुंच के पीडल एडिमा के रूप में सामने आने लगा। अब एल्डरली फीमेल है, प्लाज्मा वॉल्यूम जो बढ़ा, उसने अगर हार्ट उसका उस बढ़े हुए प्लाज्मा वॉल्यूम, बढ़े हुए वीनस रिटर्न को एकोमोडेट नहीं कर पाया, तब उस पेशेंट में सीएचएफ की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार से सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, उससे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन, उससे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इस एक्स्ट्रा फ्लूइड का माइग्रेशन, इनसे इडमा होता है। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन अगर पेशेंट कंपेंसेट ना कर पाए, तब वो सीएचएफ का कारण बन सकती है। तो यदि किसी व्यक्ति में पहले से इडमा है, उसका
प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा है, इंसुलिन लेने वाले व्यक्तियों में यह प्रक्रिया ज्यादा होती है। पायोग्लुटिजोन इंड्यूस्ड वेट गेन, पायोग्लुटिजोन इंड्यूस्ड इडिमा और पायोग्लुटिजोन इंड्यूस्ड प्रेसिपिटेशन ऑफ सीएचएम, ये तीनों यदि पेशेंट इंसुलिन भी ले रहा है, कनकॉमिटेंट इंसुलिन थेरेपी पे है, तब यह प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। फीमेल्स में ओवरवेट फीमेल्स में स्वभाव ज्यादा होती हैं, और यदि किसी पेशेंट को ऑब्वियसली अगर कोई कार्डियक प्रॉब्लम है तो सीएचएफ के चांस बढ़ेंगे। रीनल इंसफिशियंसी है, वहां पे भी वॉल्यूम ओवरलोड होता है, तो उनमें भी सीएचएफ के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर पहले से प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन है, इंसुलिन थेरेपी, फीमेल, एल्डरली, ओबीज, इनमें प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन से सीएचएफ के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब कभी भी हम पाइरोग्लिसरॉल को प्रयोग में ला रहे हैं तो हमें एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है याद रखना कि इसके कार्य करने में समय लगता है, 6 to 8 weeks। तो हम इसको 10, 15, 20 दिनों में इसके प्रभाव की उम्मीद ना करें। तो 1 महीने बाद इसका कार्य आरंभ होता है और वह 2 महीने तक क्रमशः बढ़ता जाता है। 15 to 45 मिलीग्राम इसकी डोजेस हैं, लेकिन जितनी हाई डोजेज में यूज करते हैं उतना इसके ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन ज्यादा होते हैं। अच्छा, तुरंत काम करती नहीं, तो आज हमने दिया और सुबह दिया, शाम को दिया, बिफोर मील्स दिया, आफ्टर मील्स दिया, इसका कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत ही माइल्ड एंटी डायबिटिक एजेंट है। यूजुअली ये एज एडजुवेंट्स अदर ड्रग्स के साथ में कॉम्बिनेशन में यूज होती है, मोनोथेरेपी में इसको यूज आजकल बहुत कम किया जाता है। तो प्रिंसिपल क्या है पाइरोग्लिसरॉन यूज करने का? तुरंत इसके प्रभाव की उम्मीद ना करें। जैसे मेटफॉर्मिन के लिए बात की कि स्टार्ट लो डोज से करें और क्रमशः उसकी डोज बढ़ाएं, इसको भी स्टार्ट लो डोज से करें और बढ़ाने की बात आज 2020 में तो पैग्लिजोन के साथ में एक कंसेंसस ये है कि भाई सोच समझ के इस्तेमाल करो और थोड़ा लोअर डोज में ही रखो, हाई डोजेस ज्यादा मत यूज करो, क्योंकि वेट गेन, इडमा, सीएचएफ के चांसेस तो हैं ही, साथ में कुछ और भी प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड जो ऑस्टियोपोरोसिस की, रीनल या ब्लैडर सेल कार्सिनोमा की, इनकी जो संभावनाएं देखी गई हैं वो भी डोज रिलेटेड ज्यादा होती हैं। तो इसको हम लो डोज में ही यूज करें ज्यादा अच्छा है, रैपिड एस्केलेशन तो बिल्कुल नहीं करना, हाई डोजेस को अवॉइड कर सकें तो करें। एल्डरली में जिनमें सीएचएफ का रिस्क ज्यादा है उनमें विशेष रूप से हम इसमें सावधानी रखें यदि हम पायोग्लुटिजोन को यूज कर रहे हैं। तो मित्रों, पायोग्लुटिजोन एक बहुत इफेक्टिव एंटी डायबिटिक एजेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसको यह मत सोचिएगा कि ये एक विलेन है, लेकिन प्रभाव इसका आने में समय लगता है और इसको सावधानी पूर्वक लोअर डोजेज में यूज करना है, एज एडजुवेंट यूज करना है। इससे बहुत अधिक उम्मीद भी ना करें और इसकी बहुत अधिक डोजेस को प्रयोग में भी ना लाएं। यह तथ्य अगर हम ध्यान रखेंगे तो पायोग्लुटिजोन को बिना साइड इफेक्ट्स के हम बेहतर तौर पे इसका लाभदायक प्रभाव प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।